तो एक्सनेस ब्रोकर पर मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस बना दी है, यानी सारी जानकारी। अगर आपको किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए एक्सनेस ब्रोकर से रिलेटेड, तो आप जो है इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सनेस ब्रोकर नाम से मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम जानने वाले हैं कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, यानी एक्सनेस का जो कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफार्म है उस पर हम कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं और उस पर कैसे हम जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कॉपी ट्रेडिंग इसलिए होता है, जैसे कि कई सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिंग की जानकारी नहीं होती है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस या फिर कोई इंडिकेटर, या उनके पास इतना पैसा नहीं होता है या इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो खुद ट्रेड कर सकें, या उनको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, तो वो बार बार जो है लॉस कर देते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता होता है कि आप मास्टर ट्रेडिंग, यानी किसी मास्टर ट्रेडर को फॉलो करें, यानी मास्टर ट्रेडर के अकाउंट पर आप पैसा लगाएं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट मास्टर ट्रेडर करेगा वही प्रॉफिट आपको भी होगा उतना ही, तो अगर आप उतना ही पैसा लगाएंगे उस हिसाब से। तो आज जो है हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सोशल ट्रेडिंग इसका नाम है, इसे आपको प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर लेना है। जब आप सोशल ट्रेडिंग जो है इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद, और आपको ध्यान देना है एक्सनेस पर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, अगर पहले से रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्सनेस पर आपका अकाउंट जब पहले से रहेगा तो आपको यहाँ पे साइन इन विद एक्सनेस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल और अपना पासवर्ड, यानी जो अकाउंट आपका एक्सनेस ब्रोकर पर है, एक्सनेस पर है, यानी वही आपको जो है एक्सनेस सोशल ट्रेडिंग पर भी उसी ईमेल और पासवर्ड को आपको इंटर करके साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना पिन क्रिएट कर लेना है, यानी पासवर्ड एक बना लेना है 4 डिजिट का, तो ताकि कोई दूसरा जो है आपका अकाउंट ओपन ना कर सके। दो बार आपको पासवर्ड इंटर कर देना है, पिन इंटर कर देना है, बन जाएगा। उसके बाद आप अपना फिंगर सेंसर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, वरना आप इसको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर अपना अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख के आ जाएगा वेलकम टू एक्सनेस सोशल ट्रेडिंग, लॉगिन करने पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद इसे आप स्किप कर सकते हैं या फिर इसमें सारी चीज़ें आपको, तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू दिखाएगा, यानी जो फंड आपके पास होगा वो फंड आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पे यूज़र का आइकॉन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैलेट मिल जाएगा, यानी इस वैलेट में आप जो है मेक डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके जो भी है यहाँ पे आप अपना फंड जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे इंडियन लोकल बैंक ट्रांसफ़र UPI QR टू, इंडिया लोकल बैंक ट्रांसफ़र UPI QR टू, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी तक जो है मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस यूज किया है, इंडिया लोकल बैंक और UPI QR टू से मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है अभी तक, और बाकी और कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जो भी आपको बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी एक्सचेंज से, क्रिप्टो एक्सचेंज से, तो आपको ये बेटर है, थीटर USDT आपको यूज़ कर लेना है, DRC20 का ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे ऐसे आपको जो है डिपॉजिट कर लेना है, तो ये आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे मैं यहाँ पे जो है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी बैलेंस आपका अवेलेबल रहेगा वो बैलेंस यहाँ पे शो होगा, और इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप विड्रॉ पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हो, और यहीं से आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मेक डिपॉजिट, मेक विड्रॉ। और इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टेड, यानी कि जो आप किसी ट्रेडर पर जो भी आप लगाए रहोगे, मतलब जिसको कॉपी करोगे आप जिस भी मास्टर ट्रेडर को, वो यहाँ पे जो है जितना फंड लगा के उतना फंड यहाँ पे आपका शो करेगा कि इतना फंड आपने किसी मास्टर ट्रेडर पर लगाया हुआ है, और यहाँ पे हिस्ट्री रहेगा कितना ट्रेड हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक्टिव जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे जिन ट्रेडरों को आप जो है जिस मास्टर ट्रेडर को आप फॉलो करोगे उनकी लिस्ट यहाँ पे होगी। अगर आप 3-4 लोगों को फॉलो करोगे, 3-4 मास्टर ट्रेडर को, तो उनका अकाउंट यहाँ पे जो है शो होगा, और कितना पैसा आपने लगाया है वो भी यहाँ पे शो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है, यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखेगी, यहाँ पे ट्रेडर्स दिखेंगे मास्ट कॉपी, जिनको सबसे ज़्यादा लोगों ने कॉपी किया है, देख सकते हो 1565 लोगों ने इनको कॉपी किया है, और इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
कौन कितना कैसे क्या है सारी चीज़ें। और आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इन्हें फ़िल्टर भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ पे स्ट्रेटजी भी है, यहाँ पे जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए ये जो एम्फीबियस रोबोट यहाँ पे है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शेयर का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, वरना यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू इनका आपको दिख जाएगा कितना परसेंट इन्होंने अभी तक रिटर्न दिया है। तो देख सकते हैं 408% इन्होंने रिटर्न दिया है, और रिस्क स्कोर जो है इनका 1 है, यानी कि ना के बराबर है, यानी काफ़ी अच्छा ट्रेडर है, काफ़ी अच्छा मास्टर ट्रेडर है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो इनको जो है फॉलो कर सकते हैं। इनका जो कमीशन है 5% है, लेवरेज 1:2 का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा लॉट जो है ज़्यादा खतरा नहीं ले सकते हैं। और अगर आप दोस्तों इनको जैसे फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे इनका इन्वेस्टर देख सकते हैं, लगभग 1565 लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। इक्विटी इनकी देख सकते हैं $7,192 है लगभग। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, स्टैटिक्स में आप इनका जो भी लॉस प्रॉफिट ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, देख सकते हो। एक मंथ का भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गेन किया है, 408% टोटल है जो एक मंथ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गेन किया हुआ। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। न्यूज़ फीड में इनको इन्होंने जो अपने बारे में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स है। और बाकी इनका जो यहाँ पे देख सकते हो अभी इन्होंने बाई किया है, और एक ख़ास बात आपको और बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने बाई किया है 0.09 लॉट साइज का, माइक्रो साइज का, यानी अगर ये 0.09 लॉट साइज का यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके भी अकाउंट में उतना ही लॉट का लगे। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है एक्सचेंज ब्रोकर की, कॉपी ट्रेडिंग की, कि यहाँ पे अगर आप $20 से ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्ट करते हो, $20 इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इनके कितना है, यहाँ पे इनका जो है $7,192 है इनके पास। मैंने मान लीजिए आप यहाँ पे $70 का जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप यहाँ पे $70 का इन्वेस्टमेंट करोगे और इनका $7,192 का है और तुम्हारा $70 है, जब तुम $70 का यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या हम $70 का इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है जब ये 0.09 लॉट का लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रेड जो हमारा लगेगा वो 0.009 का लग जाएगा, यानी एकदम छोटा होके लगेगा, मतलब हमारे फंड के हिसाब से ही लॉट लगेगा। ये कितना भी बड़ा लॉट लगा दें लेकिन लगेगा हमारे फंड के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि लॉस के एकदम चांसेज नहीं है, काफ़ी कम चांसेज है, तो रिस्क काफ़ी कम है, रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको स्टार्ट ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जब आप यहाँ पे जितना लगाना चाहें उतना फ़ंड आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद डन कर देना है। डन करते ही जो है आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो काफ़ी सिंपल है, कुछ खास है नहीं। तो सारी चीज़ें लगभग यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया है, और अगर आप इसमें से किसी को भी फॉलो करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, या आप यहाँ पे मॉस कॉपीट में आप सी आल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप सी आल पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे एक महीने का आप चेक कर सकते हो, एक महीने पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देख सकते हो एक महीने में सबसे अच्छा किसने रिटर्न दिया है, तो सबसे अच्छा इन्होंने ही रिटर्न दिया है, और इनका जो है काफ़ी अच्छा ये अभी टॉप पे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनका बिहेवियर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।